अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, आज मैं आप सब दोस्तों की फरमाइश, काफ़ी सारे दोस्तों ने फरमाइश की है कि DAE जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग है, उसका सिलेबस, उसके जो नोट्स हैं मैथ के, वो भी फॉरवर्ड किया करें। तो मैं इनिशियली तौर पे जो पार्ट वन है उसके दो पेपर होते हैं, उसका जो फर्स्ट पेपर है उसमें मैंने पेपर अपलोड करने के लिए सोचा है। DAE डिप्लोमे का जो फर्स्ट पेपर है उसका पहले ग्रुप का जो पेपर है उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। उसका फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, सेकंड क्वेश्चन जो है उसके ऑलमोस्ट बल्कि 27 क्वेश्चंस हैं, दो दो नंबर के, जिनमें से आपने 18 करने हैं। व्यूअर्स, मैं इस पेपर को देख के इसमें वो क्वेश्चंस करूँगा जिसको अंदाजे से मैं कह सकूँ कि आप लोग उसको कर सकेंगे, क्योंकि ये वीडियोस खासकर उन लोगों के लिए हैं जो मेरे नोट्स देख के अपनी तैयारी कर लें और वो इस पेपर में पास हो जाएं। दूसरे क्वेश्चन के जो फर्स्ट जूज है, क्वेश्चन टू, फर्स्ट जो पार्ट है वो है सॉल्व द इक्वेशन मैंने सॉल्व करनी है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0। मैंने सॉल्व कैसे करनी है इसको, मैं तीन तरीकों से सॉल्व कर सकता हूँ। बाय यूजिंग कंप्लीट फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। व्यूअर्स, मैं इसको सॉल्व करूंगा बाय फैक्टराइजेशन। इसमें मैंने एक्स की कीमत मालूम करनी है, मुझे दो ऐसे इनसे चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6x² आए, प्लस या माइनस करूं तो -5 आए, -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल 0। व्यूअर्स, फर्स्ट दो जो टर्म्स हैं उनमें मैं एक्स अगर कॉमन लूँ तो मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस 3 और आगे -2 कॉमन, एक्स माइनस 3 इज इक्वल 0। व्यूअर्स, जब ये इम्प्लाइज करेगा तो एक्स माइनस 3 इसमें अगर कॉमन आए तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0 और इसमें मेरे पास x इज इक्वल 2 और 3 जो है मेरा आंसर आ गया है। व्यूअर्स, ये दो नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। व्यूअर्स, सेकंड पार्ट में है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0। व्यूअर्स, इसका मैंने डिस्क्रिमिनेंट लेना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करूँगा -2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जो है ये b² है, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है। दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 जो है उसका स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो 4 2 8 -8 इज इक्वल 0। व्यूअर्स, इसकी तीन कंडीशंस हैं, या तो आपके रूट्स 0 आ सकते हैं,
या आपके रूट्स लेस देन ज़ीरो या आपके रूट्स ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर आपके रूट्स इक्वल टू ज़ीरो आ जाएं, डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो आपके जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स जो हैं वो आएंगे। अगर व्यूअर्स यहाँ पे मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो मेरे रूट्स आएंगे अनइक्वल और रियल आएंगे और अनरिपीटेड आएंगे। और अगर यहाँ पर मेरा लेस देन ज़ीरो डिस्क्रिमिनेंट आए तो इमेजिनरी आ जाएंगे रूट्स। व्यूअर्स इसी का मैं तीसरा पार्ट करने जा रहा हूँ। तीसरे पार्ट में है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है मेरे पास 2x की 2 प्लस 4 इज इक्वल 7x। व्यूअर्स सबसे पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। 7x है, इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, -7x प्लस 4 इज इक्वल 0 आ जाएगा। व्यूअर्स इसमें जैसे एक्स के का जो कॉफिशेंट है वो a होगा, जो एक्स का कॉफिशेंट है वो b है, और जो बगैर एक्स के है वो c है। व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो सम होती है, सम ऑफ रूट्स, उसका जो फार्मूला है वो है -b/a। अब यहाँ पे मैंने -b की वैल्यू -7 है ओवर a की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 7/2 जो इसका सम का रूट आएगा। और जो प्रोडक्ट का रूट आ जाएगा उसका फार्मूला है c/a। c यहाँ पर 4 है और a 2 है, इसको मैं जब डिवाइड करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। व्यूअर्स फोर्थ पार्ट है इसका, जिसमें है फाइंड द सेवंथ टर्म। a7 जो है वो मैंने फाइंड करना है, और इन ap इन विच द फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है a वो 11 है एंड कॉमन डिफरेंस 4 है, और मैंने a7 जो है वो फाइंड करना है। यहाँ पे मेरे पास n जो है वो 7 आ जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसकी nth टर्म का जो फार्मूला है वो है an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। व्यूअर्स यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करूँगा a7 आ जाएगा, n की वैल्यू 7 है, इज इक्वल a की वैल्यू 11 प्लस यहाँ पे आएगा 7-1 और d जो है वो 4 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज a7 मेरे पास आ जाएगा 11 प्लस 6 इंटू 4, यहाँ से आ जाएगा a7 इज इक्वल 11 प्लस 24 और इसका आंसर आ जाएगा 35। सेवन टर्म जो है वो 35 होगी। व्यूअर्स उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह इसी तरह आपको वीडियो मिलती जाएंगी। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लिंक आगे भी फॉरवर्ड करें, और आपने खुद भी देखें और लाइक भी करें। अस्सलाम वालेकुम।